हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और मैंने इनसे कोर्स ख़रीदा था यूट्यूब पे, वीडियो देख के इनकी। सिम डिज़ाइन नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे, और इनका कोर्स देखने में बहुत ज़्यादा हाई एंड लगता है। तो आपको भी लगता है कि हाँ यार, पैसे देने वसूल है, बंदा इतना बेहतरीन अगर अपनी वीडियोज़ में डाल रहा है तो पढ़ाता एक भी बार नहीं, बेहतरीन ही मैंने होता उन्हें है। बहुत बार बताया, जब मैंने लास्ट टाइम छोड़ा है ना, तो उस वक्त की बातें हैं ये। कहते हैं कि जब मैंने छोड़ा तो ये वीडियोस ना, नो कह रहे हैं कि मैं देख के करूँगा, देख के करूँगा। और ये वीडियो इनको मैंने पहले भी भेज दी, और क्या करा इन्होंने, मुझे पुराने रिकॉर्डेड वीडियो भेजिए, बहुत ज़्यादा पुराने सॉफ्टवेयर से किसी से। ये देख सकते हैं यहाँ, एक वाटर मार्क भी आ रहा है। और दूसरी वीडियोज़ दिखाऊंगा जो कोर्स ज्वाइन करा था और तब तक चली जब तक कि इन्होंने पैसों की बात नहीं करी आगे की 2000, तब की वीडियोज़ का क्वालिटी कंटेंट डिफरेंट था। और जब इन्होंने 2000 रुपये मांगे, मैंने कहा कि सर आप मुझे 10,000 का ही कोर्स करा दो, 2,000 मैं जब दूंगा आपको तब आगे का करा देना, आप 10 का कंप्लीट कराओ अभी मेरा। तो 10 में उन्होंने, जब मैंने ऐसा बोल दिया तो वीडियो भेजी 15th, और इस वीडियो में आवाज ही नहीं है, क्लिक आवाज है, क्लिक ही आएंगे, सिर्फ माउस की क्लिक्स की आवाज आएगी आपको, और कोई यार आवाज ही नहीं तुमने है इसके रिकॉर्डिंग अंदर। कर ली एक बार 1 महीने की, उन्हें 10 साल तक बेचो। लेकिन यार एक बेचने का एक एक वो भी तो होता है तरीका। रिकॉर्डेड वीडियोस हमें और भी जगहों पे मिलती हैं, यूडमी प्लेटफॉर्म हो गया, हाई क्वालिटी वीडियोस मिलती हैं, 500 रुपये मिल जाती हैं वीडियोस। जिस तरह का कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये 10,000 तो 12,000 का कोर्स था, मैंने 10 में बात करी थी, और 10 में भी मेरे को 15 क्लासेस मिली है। उनका भी कंटेंट दिखा दूंगा आपको कि 15 क्लासेस कैसी हैं। तो ये कंटेंट बिल्कुल भी 2,000 रुपये से ऊपर के लायक है ही नहीं। इससे बढ़िया इनके YouTube चैनल से कंप्लीट कर लो कोर्स, उस पर ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। इनके पेड कोर्स में कुछ भी नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, कोई सर्विस नहीं। मैंने कहा था ज्वाइनिंग के टाइम पे कि मैं सर मेरे को आता नहीं है, मेरे को सीखना है भाई। इनके कोर्स है ही नहीं कि कोई फ्रेशर वाला बंदा सीख जाएगा ना, इनके में कैलकुलेशन आई 15 क्लासेस में, मतलब कैलकुलेशन। आपको मैं दिखाने वाला हूँ इनकी क्लासेस, तो जिसमें ये सेकंड क्लास है आपकी, और इस क्लास में ये है क्लास 2, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब आप हाय समझ जाओगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेवरीजन। क्लास का टोटल, सुनने वाले ठीक है, कोर की मीटिंग मैनुअल करेंगे तो टाइम अगर आप देखोगे 36 मिनट की वीडियो है टोटल, ठीक है। और सारी वीडियोस ऐसी रहने वाली, और ये मुझे 60 दिन का कोर्स बता के कोर्स दिया गया है, जिसमें कि जब मैंने कोर्स ज्वाइन कर रहा था तो उस वक्त इन्होंने क्या बोला कि सब तो 30 दिन में करा देते, मैं 60 दिन में कराऊंगा। मतलब ये मेरे को लगा कुछ एडवांस करा रहे, ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब इन्होंने बोला ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेटिव, ये तब बोला जब मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली इनकी। और तब बोलते हैं जब मैंने एक दिन वीडियो भेजी, दूसरे दिन अगले दिन मैंने मैसेज करा सर आज की वीडियो, तो कहते हैं मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे क्लासेस कराता हूँ। तो फिर मैंने आइडिया लगाया यार अल्टरनेटिव डेज़ पे कराते हो तो फिर तो वही बात होगी ना, आप भी 30 दिन में करा रहे हो कोर्स, मतलब 60 दिन में करा रहे हो, 30 दिन का कोर्स करा रहे हो। और कोर्स के वो देखो आप, 30-30 मिनट की वीडियोज़ हैं, किसी में 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, लेकिन वीडियोस ज़्यादा बड़ी है ही नहीं। मैं आपको सारी वीडियोस दिखाने वाला हूँ शांति से। अगर कोई कोर्स लेने वाला है तो इन वीडियोस को चेक कर सकते हो। मैं आपको एक्चुअल वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर सकता, लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की पर्सनल मतलब कोचिंग की वीडियोज़ मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई गलत है तो हम गलत नहीं करेंगे ना उसके लिए। लेकिन मैं दूसरे के साथ तो गलत नहीं होना देना चाहता, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो है, इसमें क्या है? इसमें क्या करने वाले हैं, हम कोर और कैविटी बनाएंगे, पार्टिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो 36 मिनट की, अब लास्ट में ले जाता हूँ मैं आपको कि कितना कंप्लीट कर लिया हमने। जहाँ पे अंडरकट होता है तो अंडरकट को कैसे मिनिमाइज करोगे, कैसे अंडरकट को हटाओगे, ठीक है ना, वो चीज आप डिस्कस किया हमने आपके साथ इस क्लास में, ठीक है। अब दूसरी क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इंसर्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इंसर्ट से बनाना आपको सिखाऊंगा दूसरी क्लास में। तो ये थोड़ा आइडिया आपको थोड़ा टफ लगेगा, बस बहुत बढ़िया आती उत्तर लिए। ऐसा केस में ना आपके डाउट क्लियर होंगे, तो आपका क्या होगा, डाउट जो है आपके क्लियर होगा, ठीक है। तो हमको बेसिकली अब ये टोटल इतना कंप्लीट हो गया, कोर कैविटी बन गई है मोबाइल के। हमने मल्टी कैविटी टाइप कह सकते हैं इसे, कि हमने मल्टी कैविटी मोल्ड बनाया है, ये 2 मोबाइल्स 1 टाइम में मोल्ड डिज़ाइन करे हैं हमने इसमें, ठीक है, मोल्ड डिज़ाइन कराया उनका। अब मैं आपको सेकंड वीडियो दिखा देता हूँ, सॉरी थर्ड वीडियो। वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। इसकी लाइट है बेसिकली ये, तो इस अब इसमें क्या है, ये टॉर्च की लाइट है, और इस लाइट को मुझे एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी कोर कैविटी निकालनी है।
तो इसमें अब मैं टॉर्च की कोर कैविटी निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से इन्होंने हार्ड पार्ट लिए हैं वैसे, क्योंकि ये एडवांस कोर्स बोल के देते हैं ना अपने कोर्स, और कोर कैविटी ही निकालेंगे शुरुआत में बहुत से पार्ट्स की, लेकिन ये किसी भी एक पार्ट का कंप्लीट मोल्ड तैयार नहीं करते। जैसे फर्स्ट टाइम में हमने जो भी बनाया होगा, मेरे ध्यान नहीं, अभी सेकंड टाइम में मोबाइल बनाया जो अभी दिखाया मैंने आपको, वो कंप्लीट मोल्ड उसका इस क्लास में कंटिन्यू होना चाहिए था, उसी में दिखाना चाहिए था जो भी दिखाना था। तो वो चीज़ नहीं है इनके में, कंटिन्यूटी नहीं है। अब दूसरा पार्ट पकड़ लिया, अब इसे शुरू से इसकी कोर कैविटी निकालेंगे, शुरू का टाइम फिर वही स्टार्टिंग का, ठीक है। हम जो है स्कोर की विधि निकालेंगे, ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे स्लाइडर आएंगे वो स्लाइडर तो ले आता हूँ और एक कमांड सिखा देता हूँ इसका, क्या नाम है, रिप्लेसमेंट। इस क्लास में क्या हुआ है, सिर्फ एक स्लाइडर एड ऑन हुआ है, कोर कैविटी निकाली हमने कंप्लीट जो पिछली क्लास में थी, वही सेम चीज़ इसमें भी वैसे ही हो गई एक तरीके से देखा जाए तो। कोर कैविटी निकालने का काम हो गया, थोड़ा कह सकते हैं टफ पार्ट है, ठीक है, लेकिन आपको पहले कंटेंट में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो अलग अलग चीज़ें मिले तो दिमाग में भी ज़्यादा चीज़ें बैठे, ठीक है। ये कोर कैविटी ही निकाली, बस इसमें एक स्लाइडर एड ऑन हुआ है, ये ब्लू कलर का जो है, सिर्फ इस पर पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। यहाँ भी अभी अभी तक सिर्फ मेरे को क्या हुआ है, कोर कैविटी निकालनी आई है और फिर स्लाइडर आया एक। स्किप लाइन को इसमें कॉपी कर लेगा, इस एज में कॉपी कर लेगा जो ठीक है, अब मैं इस वाली पार्ट को हटा देता हूँ, अब आपको तीसरी वीडियो के बाद चौथी वीडियो दिखाता हूँ। कंप्लीट 15 क्लासेस दिखाने वाला हूँ आपको मैं, चौथी क्लास है कोर कवर कोर कैविटी जिप फाइल, एक मिनट मेरे पास है। ये है इनकी फर्स्ट क्लास जिसमें कि स्विच बोर्ड कराया है इन्होंने, इसमें भी मैंने पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस फ्रेंड्स, वेलकम कोर कैविटी निकाली है। बैक टू सेमिनार। तो अभी जो हम ये फर्स्ट क्लास है इनकी, इस केस में हम पार्टिंग लाइन कौन सी लेंगे, ठीक है ना, या कौन सी पार्टिंग लाइन लोगे, पार्टिंग लाइन लोगे अब ये वाली। ठीक है। इसमें पार्टिंग लाइन वगैरह बताया मुझे कि कितने तरह की पार्टिंग लाइन हो सकती है, क्या है, और उसके बाद फिर हमने इसमें इस पार्ट का ये रेफरेंस मोल्ड दिखाया है, कंप्लीट नहीं बनाया उन्होंने, ये दूसरा कोई और रेफरेंस मोल्ड दिखाया है। वैसे है आपको सब, ये एक स्टूडेंट था मेरा डाइट का, वो होता है ना मोल्ड डिजाइन की सुषेंत तरह, तो उसकी स्टूडेंट था, उसकी ये था मतलब स्टैंडर्ड तरीके से बनाना था उसको, स्कूल की प्रोजेक्ट था तो उसको मेरे यहाँ पे वो किए थे वो, ये तो ये तो सिंपल है, ये आप बना रहे ना, मैं नॉन बहुत बड़ी मोल्ड बनती है। ये इतना मोल्ड कंप्लीट हुआ है सिर्फ, और उसके बाद इन्होंने दूसरा मोल्ड दिखाया, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में इतना कंप्लीट हुआ था। अब कौन सी क्लास रह गई थी, फोर्थ क्लास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित, और मैंने इनसे कोर्स ख़रीदा था यूट्यूब पे, वीडियो देख के इनकी, सिम डिज़ाइन नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे, और इनका कोर्स देखने में बहुत ज़्यादा हाई एंड लगता है, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार पैसे देने वसूल है, बंदा इतना बेहतरीन अगर अपनी वीडियोज़ में डाल रहा है तो पढ़ाता भी बेहतरीन ही होगा। वो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि पढ़ाते क्या है क्या नहीं पढ़ाते, मेरे पैसे कैसे वेस्ट हुए। मैंने इनसे बात करी, इनके पास कोर्स ख़रीदा मैंने, तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मैंने खरीदा या नहीं खरीदा। इनका नाम है अभिजीत दास, ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो, मैंने इन्हें 10,000 रुपये भेज रखे हैं कोर्स के, और इस 10,000 की भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, क्योंकि मैंने वन टाइम पेमेंट करी है 10,000 की, और मैं चाहता था कि मुझे एक डिस्काउंट मिले, क्योंकि कोई भी अगर वन टाइम में पेमेंट करता है तो वो एक चाहता है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं से डिस्काउंट मिले, अगर किसी के पास डिस्काउंट की स्कीम नहीं होती तो वो ब्लफ नहीं खेलते लोगों के साथ, लेकिन इन्होंने क्या करा है मेरे साथ, ब्लफ खेला है ज्वाइनिंग कराने के लिए। अब ये कहते हैं कि मैं क्यों ज्वाइनिंग कराऊंगा, भाई पैसों का भूखा है तो ज्वाइनिंग तो कराएगा, और पैसों के भूखे हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे भी जब मैंने इस बंदे से क्लासेस ले ली ना, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या लालची इंसान के दौरे क्लासेस ले ली मैंने, इसे क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भेजता है, वो मुझे पता है बताया, लेकिन ना कंफर्म क्लियर नहीं करता ये, कभी भी इन्फॉर्मेशन देते वक्त आपको आपको ना एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे मैंने पूछा जॉब्स लगवाओगे, अवेलेबल है क्लासेस, ये मतलब कुछ भी पूछोगे ना, एक शॉर्टकट वन वर्ड में आंसर आएगा जो कि आपके डाउट्स को क्लियर नहीं करता, ठीक है। मैंने सोचा
चलो कोई नहीं, मैंने कॉल पर करके बात कर ली मैंने इनसे ज्वाइन करने से पहले, तो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूँ। तो मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, जितना पार्ट मुझे आपको सुनाना है ये रिकॉर्डिंग है एक, मैं आपको सुना देता हूँ। हेलो, क्वालिटी मिलेंगे ना तो आप जॉब के लिए नहीं दौड़ोगे, कब ज्वाइन हो ही जाओगे आप। मेरा बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं ना खाली नहीं रहते। फिर ठीक है, तो सर मैं आपको इसके कुछ कंसेशन कर दोगे तो मैं कर पाऊंगा ना, मेरे पे हो नहीं पाएगा इतना। 12 के लिए 12 है सेमी। अच्छा अच्छा, दो दिन में कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये कम नहीं कर सकते पैसे, लेकिन मैंने इनसे कहा कि सर मैं जॉब लेस हूँ और मेरे पास अभी घर से 10,000 ही मिले मुझे और मैं वन टाइम पेमेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे कंसेशन कर दोगे तो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। सीधी बात थी, ज्वाइन कर पाऊंगा, और कब, जब आप 10,000 कर दोगे। अब आप आगे सुनो एक मिनट। अगर मैं इसे 10 कर दूं तो चल जाएगा वन टाइम में? हाँ वन टाइम में करूंगा मैं, क्योंकि मैं ये बताना भूल गया, इनकी टोटल फीस है 12,000 और 12,000 में मैं इनसे 10,000 की बात कर रहा हूँ और वो भी वन टाइम पेमेंट में मैं इनको देने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डबल का नहीं है आपके 10 तो नहीं हो पाएगी। 11 तक मैं बात कर सकते हैं मेरी आप टीम से, फिर मैं कंफर्म कर सकता हूँ। यहाँ ये 11 तक भी पहुंच गए, लेकिन जब मैंने पैसे दे दिए 10,000 रुपये मेरे फंस चुके हैं, उसके बाद जब मैं इनसे क्लासेस लेने लग गया एक महीने बाद ये मेरे से डिमांड करते हैं पैसों की, और वो भी कब, जब मैं इनसे टाइम पे वीडियोस मांगने के लिए करता हूँ, सर मेरे को वीडियोस भेज दो, हर बार तो मुझे वीडियोस के लिए मैसेज करना पड़ रहा है कि सर वीडियोस भेज दो हर दो दिन में, दो दिन के एक दिन के गैप में। लेकिन इनकी वीडियोस की टाइमिंग भी क्या है, कब कब आई है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और क्या सिचुएशन रही है, आप समझना। कुछ भी एक महीने कर देना आप, जब जॉब लग जाए तब दे दियो, इतना तो कर सकते हो। लेकिन मैं देखो, मैं कुछ रूल ब्रेक नहीं कर पाऊंगा ना, सबके लिए मेरा सेम रूल है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है मुझसे कि जॉब लग जाए तब दे दियो एज अ फ्रेंड, मतलब आपको फील होगा कि यार बंदा फ्रेंडली है, मतलब आपके पैसे कहीं डूब नहीं रहे हैं। वो अगर आपको मतलब मौका दे रहा है कि जॉब लगने के बाद आप उसके 2,000 रुपये दे सकते हो, 2,000 इतनी बड़ी बात नहीं, जब मैं 10,000 दे रहा हूँ 2,000 नहीं दूंगा, लेकिन उसे क्या दिख रहा है कि 10,000 रुपये उसके पास आने चाहिए। तो उसने यहाँ पे मेरे साथ ब्लफ खेल दिया कि एक बार 10,000 आ जाए तो भाग के आएंगे अपने आप। तो यहाँ पे इसने मेरे से ऐसा बोला, और उसके बाद तो मैं कम करा ही नहीं सकता, मैं खुद भी नहीं कम कराऊंगा ना, क्योंकि मेरे को ये थोड़ी यार पैसे मैं बचा के कहीं और लेके जाऊंगा, मैं इसे 2,000 दूंगा। ठीक है, लेकिन जो बाद में करा है ना क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, वो बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसी चक्कर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बाद में मैंने इनकी क्लासेस छोड़ भी दी है, मैंने कंप्लीट भी नहीं कराया कोर्स, क्यों, क्योंकि टाइम पे क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी गई। और जब से इन्हें पता चला ना कि मैं आगे 2,000 नहीं देने वाला, थोड़े मेरे मैंने बात करी और मैं नहीं देने वाला, तो उसके बाद क्या हुआ, इनका थोड़ा चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सीन ही चेंज हो गया मुझे वीडियोस भेजने का। वो कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, हर क्लास की वीडियोस भेजते हैं मुझे मेल पे, जैसे ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, ये 15 क्लासेस आई है मेरे पास। ठीक है, और इसमें जो ये 15वीं और 12वीं क्लास है ना, ये लमसम आप मान लो मेरे को ये 15 क्लासेस देने में ना टोटल, 15वीं जो कि वेस्ट ऑफ वीडियो है मेरे लिए, बिल्कुल वेस्ट है। और इन वीडियोस को भेजने में उन्होंने कितना टाइम लगा दिया, 45 दिन। 45 दिन में सिर्फ उन्होंने 15 वीडियोस कंप्लीट कराई हैं, जिसमें कि मेरे को रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं हाँ मोल्ड के लिए यह कह सकता हूँ कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार 15वीं वीडियो दिखा देता हूँ इनकी, मैं इस पे नहीं उनके यूट्यूब चैनल पे दिखा देता हूँ, मैंने उनको भेजी हुई है। अरे ये एक बार नहीं, मैंने उन्हें बहुत बार बताया, जब ये मैंने लास्ट टाइम छोड़ा है ना, तो उस वक्त की बातें हैं। ये कहते हैं कि जब मैंने छोड़ा तो ये वीडियोस ना नो कह रहे हैं कि मैं देख के करूंगा, और ये वीडियो इनको मैंने पहले भी भेज दी। और क्या करा इन्होंने, मुझे पुराने रिकॉर्डेड वीडियो भेजिए, बहुत ज्यादा पुराने सॉफ्टवेयर से, किसी से, ये देख सकते हैं यहाँ एक वाटरमार्क भी आ रहा है, और दूसरी वीडियोस दिखाऊंगा जो कोर्स ज्वाइन करा था और तब तक चली जब तक कि इन्होंने पैसों की बात नहीं करी आगे की 2,000, तब की वीडियोस का क्वालिटी कंटेंट डिफरेंट था।
और जब इन्होंने 2000 रुपये मांगे, मैंने कहा कि सर आप मुझे 10,000 का ही कोर्स करा दो, 2000 मैं जब दूंगा आपको तब आगे का करा देना, आप 10 का कंप्लीट कराओ अभी मेरा। तो 10 में उन्होंने, जब मैंने ऐसा बोल दिया तो वीडियो भेजी 15th, और इस वीडियो में आवाज ही नहीं है, क्लिक आवाज है, क्लिक ही आएंगे सिर्फ, माउस की क्लिक्स की आवाज आएगी आपको, और कोई आवाज ही नहीं है इसके अंदर, वीडियो के अंदर। यहां देख सकते हो आप soft.com एक सॉफ्टवेयर मतलब वाटरमार्क होगा, ये देखो इस वीडियो से कौन पढ़ लेगा। जैसे ही पैसे की बात आई ना कि मैं 2000 नहीं, अब ये मेरे को ना एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे 10,000 रुपये डूब जाएंगे, समझ रहे हो आप, 10,000 रुपये डूब जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये वीडियो भेजी। और इस वीडियो से कौन कौन पढ़ सकता है कमेंट में बता देना, जो इन्हें भी पता चल जाए कि हाँ इस वीडियो से कोई पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और आपको कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी सुना देता हूँ जिनकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, एक ये है। हेलो फांदित, सर मैं कह रहा था आपसे ना, मेरी बात भी हुई थी मैसेज पर, आप कह रहे थे कि रिमेनिंग फीस दे दो। तो सर मेरी आपसे स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, तो आपको ध्यान नहीं हो या जैसे भी है, क्योंकि आपने कहा था कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लगने के बाद आप 2000 दे देना, आप 10,000 अभी एक टाइम। जॉब लगने के बाद कैसे बोल सकता हूँ मैं, मतलब आपको देना पड़ेगा, आप कोर्स की फीस में देना, मतलब आप इस चीज को गलत ठहरा रहे हो मेरी को, है नहीं, क्योंकि मैं इन चीजों को कभी वो करता ही नहीं, मतलब 2000 रुपये इतनी बड़ी बात है नहीं वैसे, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आपने कहा ही नहीं मुझसे कि जॉब के बाद आप दे देना, आपने बोला था ये मुझे याद है, लेकिन नहीं, आपने बोला है आप, सर आपने अपने साइड से बोला है, मैंने नहीं बोला स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखो ये बंदा किस तरीके से ये मेरे ऊपर ट्रांसफर कर रहा है इन चीजों को, वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसलिए मेरे पास प्रूफ था, ये प्रूफ होने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानी और नहीं मान रहा है कि हाँ इसने कहा ही होगा, इसमें भी कहता है बाद में कि मैंने प्रेशर बनाया। भाई मेरे पैसे जा रहे हैं, मैं फ्री में पैसे कमा के ला रहा हूँ क्या कहीं से, तुम फ्री में कमा रहे हो इस तरीके से, ठीक है तुमने रिकॉर्डिंग कर ली एक बार एक महीने की, उन्हें 10 साल तक बेचो, लेकिन यार एक बेचने का एक वो भी तो होता है तरीका, रिकॉर्डेड वीडियोस हमें और भी जगहों पे मिलती हैं, यूडमी प्लेटफॉर्म हो गया, हाई क्वालिटी वीडियोस मिलती हैं, 500 रुपये मिल जाती हैं वीडियोस, जिस तरह का कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये 10,000-12,000 का कोर्स था, मैंने 10 में बात करी थी और 10 में भी मेरे को 15 क्लासेस मिली है, उनका भी कंटेंट दिखा दूंगा आपको कि 15 क्लासेस कैसी है, तो ये कंटेंट बिल्कुल भी 2000 रुपये से ऊपर के लायक है ही नहीं, इससे बढ़िया इनके यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर लो कोर्स, उस पर ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, इनके पेड कोर्स में कुछ भी नहीं है, घंटा कुछ नहीं है, कोई सर्विस नहीं। मैंने कहा था ज्वाइनिंग के टाइम पे कि मैं सर मेरे को आता नहीं है, मेरे को सीखना है, भाई इनके कोर्स है ही नहीं कि कोई फ्रेशर वाला बंदा सीख जाएगा ना, इनके मैं कैलकुलेशन आई 15 क्लासेस में, मतलब कैलकुलेशन ये मेरे साथ ही नहीं करा इस बंदे ने, मेरे से कहता है जब मैं कह रहा हूँ मन की सर ऐसे ऐसे हो गया ऐसे थोड़ी चलेगा, तो वो कहता है यार ऐसे तुम्हारे पैसों का भी हुआ है, ऐसे एक लड़के का और हुआ है, वो मुझसे कह रहा था, तो मैंने कहा मैंने कि सर अगर वो लड़का कह रहा है और आपने कहा है, तो कहता हाँ मैंने कह दिया होगा, तो गलत तो है ये बंदा, जब औरों के साथ भी ब्लफ करके या जैसे भी करके उन्हें फंसा के पैसे ले रहा है, तो यार ये बंदा टोटली फ्रॉड है, और मैं तो इनके ऊपर केस भी करने वाला था, मैंने क्लासेस तब बंद करी थी जब मैंने कहा था कि मैंने कि सर आपके साथ मैं लीगली ही बात करूंगा क्योंकि मेरे पैसे फंस चुके हैं। ये सुनो आप इसमें क्या बात होती है, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे देखो मुझे ना तो परेशान हो जाऊंगा सर, मैं तो आपको बताया मैं हर चीज मुझे भी अपडेट देना पड़ता है, और एक स्टूडेंट था और मैंने कल की सर की बात कर रहा हूँ, मैं सुनो मेरी बात, कल की बात कर रहा हूँ, आपकी बैच में स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि सर मेरा इतने में बात हुई थी 1000 रुपये आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन के लिए है, मतलब वो तो रजिस्ट्रेशन रुपये उसमें ही है ऐड है, नहीं सर रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका बुक के लिए करने के लिए था, उसमें भी 1000 रुपये, अब मैं कहाँ से कर रहा हूँ बताओ यार, नहीं सर नहीं उससे आपकी बात हुई होगी, अगर उसके पास प्रूफ है और बात हुई है तो सर वो सही है, उसने भी मेरे को रिकॉर्डिंग दिखाया सर 1000 रुपये, सर फिर वो सही है, फिर आप अब देखो यहाँ पे दूसरे बंदे का एग्जांपल दे रहा है मुझे, और उसके भी कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग के टाइम पे बात हुई होगी जैसे भी है, और कह रहे हैं उसके पास भी प्रूफ है, और फिर मुझसे कह रहे हैं कि उसके पास भी प्रूफ है और मानने के लिए तैयार नहीं है, तो यार ऐसे बंदे ना सही में है ही नहीं बंदे कहने लायक, कि ये फ्रॉड ही कहने लायक है, जो लेट होगा आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये चीज आप समझ, ये देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं मुझसे जब मेरे को क्लासेस टाइम पे नहीं मिल रही हैं, क्लासेस आगे पीछे हो रही हैं, बीच में असम में फ्लड आ गया, 7 दिन का गैप हो गया, इट्स ओके, ठीक है एक बार इन्फॉर्म कर दिया, नहीं करा इन्हें डिस्टर्ब, इससे पहले भी इनके बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई, असम में बाढ़ आया
तो मेरी क्लासेस बंद हो गई। मुझे नहीं पता इनके और स्टूडेंट्स की हुई नहीं हुई, लेकिन मेरी बंद थी। और इन्हें पेड क्लासेस वाले की क्लासेस प्रोवाइड करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना यूट्यूब पे वीडियो डालने में। कहते हैं यूट्यूब पर कोई और डाल रहा है। भाई कोई और, मेरे को पता नहीं टीम है नहीं है जो भी है, लेकिन तुम्हें जब तुम यूट्यूब के लिए कोई और बंदा रख सकते हो, तुम पेड क्लासेस दे रहे हो फ्री की नहीं है। टाइम टू टाइम पे रिकॉर्डेड वीडियोस तो भेज दो, एटलीस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस तो भेज सकते हो। जब आप टाइम पे रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं भेज सकते पेड वालों को, और आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो और कह रहे हो कि फ्लड आ गया मेरे वहां पे, इज दिस फेयर? तो इसके लिए भी फिर मैंने इनको मैसेज करा, तो फिर कहते हैं कि हाँ आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं मंडे से। तो मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट करने की इन्होंने बात करी। फिर अब मैं आपको एक और दिखा देता हूं जो इसमें मेरी रिकॉर्डिंग है, 2000 रुपए के ऊपर ही बात की। मैं ढूंढ लेता हूं पहले गाइज, यहाँ पे मैं इनसे कहता हूँ सर से, सर आप लाइव क्लासेस लो लेकिन लाइव क्लास की रिकॉर्डेड भेज दिया करो, और जो एटलीस्ट रिकॉर्डेड वाली हैं जो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, वो तो मुझे रेगुलरली भेज ही दिया करो आप, ठीक है? लेकिन इनका क्या सीन रहता है, ना ही ये मेरे को लाइव की रिकॉर्डेड देते हैं। कहते हैं कभी मेरे पास कंपनी का डाटा है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सामने वहां जब मैं कह रहा हूँ और बच्चे बैठे हैं क्लास में, तब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब मैं मांगता हूँ जब व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो कहते हैं यार वो थोड़ा ऐसा डाटा है वो मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं चलो ठीक है समझ गया मैं, कोई बात नहीं मत करो। फिर इसके बाद बात आती है कि सर वो जो वीडियोस हैं आपकी रिकॉर्डेड वाली, द्वारा एक और क्लास हुई वो एडवांस लेवल की है, मतलब पहले तो ये मुझे ऐड कर रहे हैं एडवांस लेवल की क्लासेस में, ठीक है, जो मेरे काम की नहीं। और मैं कहता हूँ सर रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दो, तो कहते हैं ये आपके काम की नहीं है, ये मैं आपको द्वारा पढ़ाऊंगा सीरीज में आएगी जब आगे, तब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ दूसरा बहाना हो गया रिकॉर्डेड के लिए। तीसरा बहाना आता है जब तीसरी बार रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो मैं ले ही नहीं पाता, मैं बाहर था। तो उस वक्त का क्या सीन था इनका, ये यहाँ पे 8:30 PM लाइव क्लास ऑन गियर मोल्ड मैकेनिज्म एंड थ्योरी ऑफ गियर, एवरीवन शुड बी अवेलेबल, डोंट मिस दी क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गियर मोल्ड, ठीक है? यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं लाइव क्लास लूंगा, ठीक है, मेरे को मैसेज कर दिया इन्होंने 7 बजे, ठीक है 8:30 पे क्लास है, और लेकिन मैं था उस वक्त बाहर। तो मैंने जैसे ही मैसेज देखा, मैंने सर से कहा सर मैं आज बाहर हूँ, प्लीज आप इस क्लास को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर देना। इन्होंने मैसेज पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एहसान कर रहे हैं, ठीक है, और लिंक भेज दिया क्लास का, मैं अवेलेबल नहीं था। मैंने फिर से मैसेज छोड़ा, एटलीस्ट किसी की जिम्मेदारी तो होती है कि आपको पढ़ा रहा है तो आपके पैसे आपको ना एक सेटिस्फाइड क्लासेस प्रोवाइड करे, ठीक है, वो इसकी तरफ से हो ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने इन्हें कहा सर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भेज देना, और आपने आज की क्लास वाली वीडियो भी नहीं भेजी, मतलब जो इन्हें प्री रिकॉर्डेड भेजनी होती है, एटलीस्ट यार वो तो प्रोवाइड करो। आप लाइव क्लास के चक्कर में उसे भी छोड़ते हो, मतलब एक तो लेट पर लेट, उस पर भी लेट यार, मतलब कोई फिगर ही नहीं है कि सामने वाले बंदे का टाइम भी खराब हो रहा है। मैंने इनको कोर्स ज्वाइन करते वक्त ही कहा था सर मेरे को आप रिकॉर्डेड एक साथ प्रोवाइड करा दो, इनकी वो स्कीम नहीं थी। मैं कि कोई बात नहीं ठीक, इन पे वो भी नहीं हुआ, और टाइम पे वीडियोस कभी भेजते नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनसे कहा तो इन्होंने क्या कहा, एक मॉडल पार्ट भेज दिया जिसपे काम करा होगा वहां पे। यार मतलब क्या बंदा है, मतलब थोड़ा सोच समझ के तो काम करे, इसका क्या करूंगा मैं। तो मैंने वही बोला इसका क्या करूं सर, सर इस तरह कैसे काम चलेगा, एक वीक का गैप तो वैसे भी हो गया फ्लड की वजह से, ठीक है ठीक है। मैंने मान लिया कि वो जेन्युइन परेशानी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, उस दौरान मैंने इनको एक मैसेज नहीं करा। ये देखो आप लास्ट मैसेज कब का दिखा रहा है, 22, और ये 25 में जब मेरे को पता नहीं था ये क्या कहते हैं, मतलब पर्सनली मैसेज करके भी नहीं बताया कि मेरे यहाँ फ्लड है, कि आप अभी क्लासेस नहीं आएंगे आपकी। कहते हैं कि आपने मेरा स्टेटस नहीं देखा, कहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मैंने कोई डाउट पूछा था इनसे, तो वहां पे फिर इन्होंने डाउट तो क्लियर करना छोड़ो, मतलब डाउट तो मैं वैसे भी ज्यादा नहीं पूछ पाता था इनसे, तो तो यहाँ पे कहते हैं, मैंने कहा सर आज तो क्लास है, मैंने पूछा मन कि यार भेज दें, तो कहते हैं सर मैंने फिर कंफर्म करने के लिए एक और मैसेज छोड़ दिया कि पता चलेगी एटलीस्ट इनकी टाइमिंग क्या रहती है, क्योंकि मेरे को अभी तक टाइमिंग ही समझ में नहीं आएगी किस टाइम पे आएगी इनकी वीडियो, कब आएगी, कैसे आएगी। कहते हैं मैंने कहा सर मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में भेजते हो ना आप क्लास, तो फिर यहाँ पे कहते हैं आपने मेरे स्टेटस नहीं देखा क्या, मैं एक वीक के लिए ऑफ हूँ, नो इंटरनेट वाईफाई फ्लड इन असम। इनका जबकि फोन का नेट चल रहा है, ठीक है, फोन के नेटवर्क आ रहे हैं, मैसेज गया प्रॉपर, सारे मैसेज गए,
फिर इनका सिर्फ एक ये रिप्लाई आया, अरे यार जब आपके फ्लड आया है, जब आपके फोन में नेटवर्क है तो आप हमें हम इन्फॉर्म कर सकते हो ना पर्सनली, मतलब जरूरी है कि हर कोई ही स्टेटस देखेगा आपका। फिर सर यस देखा था मैंने, 2 दिन के लिए लिखा था उसमें, आपने इसलिए बोला मैंने, ठीक है, उसमें इन्होंने मेंशन करा था आउट ऑफ स्टेशन और मतलब फ्लड ऐसा कुछ करके मतलब है, तो 2 दिन के लिए ऑफ रहूंगा मैं, तो इसलिए मैंने 2 दिन मतलब सोच समझ के टाइम के हिसाब से मैसेज करा। फिर मैंने यहाँ पूछा आप और, अच्छा सर ओके, अब वहाँ कैसे सिचुएशन है, तो ये सीन रहा, ठीक है, ठीक है, जो हुआ ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लाइव क्लास पे, ये लाइव क्लास 8:30 ये वाली क्लास थी, ये मैंने मना कर दिया बल्कि सर मैं बाहर हूँ मैं नहीं ले पाऊंगा, तो इनका फिर गूगल मीट का ये आ गया, जब भी इन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा। फिर मैंने दोबारा पूछा इनसे, ये देखो 8:30 पे आया, मैंने फिर 10 बजे पूछा इनसे, फिर 10:16 पे इन्होंने पार्ट भेज दिया सिर्फ, पार्ट का मैं क्या करता यार, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपने नहीं भेजी, रिप्लाई आप कर नहीं रहे हो, नॉर्मल क्लास का भी डे है आज वो भी नहीं भेजी आपने, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में क्लासेस भेजोगे ना आप मुझे। फिर देखो क्या कहते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डेड नहीं बनाता हूं, हैवी हो जाता है मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं बनाता हूं मैं, हैवी हो जाता है मेरे सिस्टम के लिए, ठीक है। ये इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इनके पास ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग करके आपको बाद में प्रोवाइड कर सके, और ये ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सिर्फ मुझसे कहा है क्योंकि यहाँ मेरे पैसे का मैटर हो चुका है इनके साथ। इसके बाद इन्होंने इस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करी हैं कि मेरा मतलब मन ही हट गया, मैंने अपनी क्लासेस खुद छोड़ी है इनके पास से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ देखो क्या कहते हैं, मैंने कहा था रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप, इतने सारे मैसेज हैं, फिर कहता है कर तो रहा हूं, ठीक है, इतने पर बात खत्म। सर रह गई क्लासेस कैसे कवर होगी, इतना अनसिक्योर्ड क्यों, मतलब कैसे मैसेजेस आ रहे हैं यार, मतलब मेरी क्लास छूट गई, इतना इनसिक्योर क्यों, इतने टाइम से क्लासेस नहीं मिल रही हैं, मतलब सामने वाले को पैसा वेस्ट है, मतलब इतनी हार्ड अर्न मनी आपको मतलब फ्री की लग रही है लेके बैठ गए। यहाँ पे मुझे मैसेज आता है इतना इनसिक्योर्ड क्यों, अनसिक्योर्ड, तो फिर कहते हैं क्या रह गया है, इतना इनसिक्योर अनसिक्योर्ड क्यों, क्या रह गया है, तो इन्हें मैंने ऊपर मैसेज कराया कि मेरी क्लास रह गई है, तब भी इन्हें पता नहीं चला कि क्या रह गया है। मतलब ऐसे बंदे से मैंने कोर्स लिया जैसे दूसरे की मनी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने इनसे ये भी कहा कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं रेगुलर क्लासेस कर सकता हूँ, मुझे आप प्रोवाइड कर दो एक साथ, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्लासेस ऐसी ही चलती हैं, मैनेजमेंट है ये है वो है, पता नहीं इनका कैसा मैनेजमेंट है। कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी मैंने वक्त भी मैंने इनसे ही बात करी थी, कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी इनसे ही बात करूंगा ना पैसे की। अब पैसे की बात होने पे ये क्या कहते हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ, देखो ये पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। और अंकित यार मेरा फीस सबके लिए सेम है यार, मैं कैसे किसके लिए 10,000 में कर दूं, 11,000 में कर दूं यार, मतलब मैं अपने जेब से देना पड़ेगा ना फिर, मैं तो हर मैनेजमेंट से 12,000 ऑलरेडी 18,000 का फीस मैं 12,000 में करवा रहा हूँ, उसमें भी आप बोल रहे हो यार, मुझे ना एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच ना ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता है, आपके और मेरे बीच में होना चाहिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये सोल्यूशन होना चाहिए, क्लास रिगार्डिंग बात होना चाहिए, और मैं ना स्टूडेंट से बात करना फिर बंद कर दूंगा ऐसे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना सब चीजें बात करना, आप और मेरे बीच में ना ये सब रिलेशन की बात होना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है और जब मैं वो कोर्स ज्वाइन कराया गया था वहां क्या बातचीत थी, ठीक है, और मुझसे फीस में ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये एक तरीके से मुझसे ये भी कह रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा स्टूडेंट के साथ, तो इससे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, फिर मेरे पैसे डूब जाएंगे 10,000, तो इसलिए 2,000 दे दूं मैं ये वो। तो मुझे ना इनकी क्लासेस पहले दिन ही देखते पता चल गया था कि हाँ मेरे पैसे गलत जगह लग चुके हैं। अब मैं आपको इनका कंटेंट दिखा देता हूँ थोड़ा, ये फर्स्ट डे की क्लास है जिसमें इन्होंने मुझे ये फॉरवर्ड कराया है, और जो फॉरवर्ड करी हुई चीजें है ना इन्हें भेजने में भी इन्हें टाइम पे नहीं भेज पाते, ये सब इनके गूगल ड्राइव की वीडियोस हैं, इनका लिंक प्रोवाइड करना होता है, ये गूगल ड्राइव पे पड़ी होंगे इनके, चलो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को टाइम पे की वीडियोस चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए हमेशा। देखो ये 16 तारीख को आई है, ये 18 को आई है, ये 20 को आई है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बीच में चलो संडे पड़ गया होगा, ये 23 को है, उसके बाद यहाँ पे गैप हो गया लंबा, यहाँ पे गैप हो गया लंबा, ये 23 तारीख है, 23 के बाद वाली वीडियो आई है 28 को, ठीक है 28 को फिर मेरे को एक साथ भेज दी इन्होंने 3 क्लास।
अभी 28 को कैसे, एक दिन तो कहते हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, एक दिन कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो फिर इन्होंने मुझे एक साथ तीन क्लासेस भी दी। यार मैं तो कह रहा हूँ आपसे एक साथ आप मुझे सारी भेज दो, आपकी हेडकबाजी खत्म। लेकिन इस बंदे को वो चाहिए नहीं, क्योंकि ये सामने वाले को पूरी क्लासेस देना नहीं चाह रहा, या जो भी ऐसे लगता है कि इसकी क्लासेस लेगा कोई बेक लेगा या किसी को फ्री में प्रोवाइड कर देगा। यार तुम पैसे नहीं ले रहे क्या फ्री में? कोई किसी को कैसे, अगर तुमसे पैसे में कोई खरीद रहा है वो उसको गलत यूज करेगा तब की बात है ना। आप एटलीस्ट उसे कंटेंट तो प्रोवाइड करोगे ना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसे कंटेंट प्रोवाइड ना करो। लेकिन इसे ये डर था कि इसकी क्लासेस को कोई किसी को बेच देगा, क्या है क्या नहीं है। यार एक तो इसने मेरे को क्लासेस कंप्लीट नहीं कराई, दूसरा टाइम पे क्लासेस नहीं आई। अब देखो ये 28 तारीख को है, 28 के बाद 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख के बाद 10 तारीख को सीधी, दो जगह गैप हो गया। ये 10 तारीख को फिर दो क्लासेस आ गई, फिर 10 के बाद सीधी 15 को। अब एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासेस नहीं आ रही है, अब गैप देख लो अब कितना लंबा हो रहा है। 15 को आ गई दो क्लासेस, 15 के बाद 17 को ठीक है, 19 को ठीक है, फिर सीधी क्लासेस खत्म। आपकी यहाँ पे क्लासेस खत्म हो चुकी है मेरी, इसके बाद कोई क्लासेस नहीं आई है। और इसमें भी एक ये लोचा हुआ यहाँ पे 9th 10th 11th, ठीक है, 11th क्लास के बाद इन्होंने 13th 14th भेज दी मुझे। मैंने कहा उनके सर आपने ये क्लासेस मुझे भेज तो दिए लेकिन इससे पहले की क्लास रहेगी, एक 12th क्लास। तो कहते हैं कोई नहीं आप कर लो, कोई भी रिलेशन नहीं है पहले वाली वीडियो से, तो हो जाएगा अगली क्लास में। और एक चीज ये भी है यार, इन्होंने ना ऐसी वीडियोस बनाई नहीं है कि मेरे को एक रिलेशन फील हो। मुझे ना क्लासेस पढ़ते वक्त ये फील ही नहीं आता था कि मैं एक कंटिन्यू क्लासेस पढ़ रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट चल रहा है, मतलब एक क्लास में ये हुआ तो उसमें ही अगले पार्ट, उस पार्ट पे अगला काम स्टार्ट करेंगे। नहीं, हर बार एक अलग पार्ट पे काम कर रहे हैं। वो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको कंटेंट कैसे है। ये देखो 12वीं क्लास भेजी गई मुझे 19 तारीख को, जबकि 13वीं क्लास में वो भेज दी 15 तारीख को, ठीक है, और 11वीं 10 को, 12 13 तारीख को मुझे मिलनी थी जो क्लास वो 19 को आई है, ठीक है। फिर जब मेरा पैसे का मैटर हो गया तो ये 15th क्लास है। एक बार 15th क्लास देख लो आप, आपको वैसे मैंने दिखा भी दी है। ये 15th क्लास है जिसमें ना ऑडियो ही नहीं है, इसमें सिर्फ माउस की क्लिक की आवाज आएगी आपको, कट कट कट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी देखना आप, ये देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करा हुआ है इन्होंने, ये शो नहीं हो रहा अभी, ये सॉफ्ट करके, soft.com करके, ठीक है। और ये देखो ये पुरानी वीडियो रिकॉर्डेड है, बहुत पुराने रिकॉर्डर में किसी में, और ऐसी क्लास भेजने के बाद भी मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इससे पढ़ूं। और ये बात तब हुई है जब मैंने पैसे की बात कर दिया है कि 2000 रुपये नहीं दूंगा, और मैं 2000 रुपये नहीं दूंगा ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे पे जब हो जाएंगे मैं दूंगा, आप इतना मेरे 10,000 की क्लासेस प्रोवाइड करो, मुझे 10,000 का कोर्स कंप्लीट कराओ आप मेरा, ठीक है। ऐसी ही आवाज है, पूरी वीडियो में कहीं आवाज नहीं है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आगे बढ़ा दी मैंने, इससे कौन पढ़ सकता है वो यही जाने। और आपको कैसा लग रहा है कि ये क्लास इससे कोई पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, वो भी आप बता देना मुझे, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखा हुआ बंदा नहीं हूँ, जो सीखा हुआ बंदा हो और वो सीख ले, ठीक है। कूलिंग चैनल है, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है इस क्लास में क्या नहीं चल रहा। ये मुझे 15th क्लास भेजी गई है जब मेरे पैसे के मैटर आ गया, इनके मतलब 2000 रुपये का, और वो भी मैंने आपको दिखाया कि किस बात पे हुआ था, ठीक है। यहीं तक की क्लास भेजी गई है मुझे, इसके बाद कोई क्लास नहीं आई है इनकी तरफ से। अब मैं आपको इनकी क्लासेस दिखा देता हूँ कि कैसी क्लासेस हैं, क्या कंटेंट है, आप भी सोचोगे कि आखिर क्या कंटेंट है, तो यार दिखाना तो पड़ता है। अब देखो ये थ्योरी जिप फाइल, ठीक है, ठीक है, ये थ्योरी पीडीएफ्स भेजी हैं, इसके अलावा मुझे कोई थ्योरी नहीं मिली। और ये थ्योरी देखो, नोट्स देखना, ठीक है, किताबें भेज रखी हैं जो शायद बीच में यूज में आएंगी कहीं कहीं पे, ये मतलब इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती है, इसमें कोई मेहनत नहीं करी गई है किसी भी कंटेंट पे, सारा इंटरनेट से डाउनलोड करा हुआ कंटेंट है। ये देखो ठीक है, ये कंपैरिजन की, ये प्लास्टिक मोल्ड की दूसरी पीडीएफ है। ये दो पीडीएफ मुझे वैसे ठीक लगी, लेकिन ये भी कुछ इनका खुद का बनाया हुआ कंटेंट नहीं है, इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ भी बेसिक शुरू नहीं करा इन्होंने थ्योरी से,
मतलब हर कोई कहता है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट कहाँ होती है भाई, प्रैक्टिकल कराओ, लेकिन एटलीस्ट थ्योरी पता होगी तभी तो कोई बंदा कुछ करेगा। ये ठीक है, ये मैंने कवर कर लिया अपने आप थ्योरी वगैरह जो भी था, लेकिन थ्योरी की वीडियो वो दिखा रहा हूँ आपको। इन पीपीटीज के अलावा एक भी ऐसी कोई वो नहीं है कि जो ढंग की निकल गई हो इनकी थ्योरी, सारी इंटरनेट से डाउनलोड करके थ्योरी प्रोवाइड करी गई है इन्होंने। ये देखो, अगर ये मेहनत करते तो मुझे अपने आप समझाते, वीडियोस में दिखाते थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कि हम आज ये वाला पार्ट करेंगे, आज ये वाला पार्ट करेंगे। कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी पार्ट का, सीधा वीडियो चालू कर दिया और वीडियो में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये मैक्स मोल्ड बेस, ये मोल्ड बेस लाइब्रेरी कैटलॉग, देखो किताबें भेज रखी है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, एटलीस्ट इन्हें समझाने वाली वीडियोस भी होती है, कुछ होना चाहिए था कि जिससे हमें ये तो पहले क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये इनकी थ्योरीज हो गई, मैंने सिर्फ आपको आइडिया के लिए दिखा दी कि कैसे कंटेंट में थ्योरी प्रोवाइड करी है। और न्यू फोल्डर जिप, इसमें क्या है देखते हैं अभी। इसमें शायद पार्ट फाइल्स हैं, मैं पाउस कर लेता हूँ फिर आपको रिकॉर्ड डाउनलोड होने के बाद दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें असाइनमेंट वगैरह हैं थोड़े, प्रैक्टिस के लिए डिजाइन हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सब डाटा मुझे एक बार में भेज दिएगा यार, जब तो इन सब चीज़ों को एक साथ भेज सकते हो तो मेरे को क्लासेस भी भेज देते, रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी, जब मुझे प्रॉब्लम आती आप लाइव क्लासेस ले लेते, जब ले रहे हो या मेरे को लिंक भेजते तो मेरे को इतनी परेशानियां नहीं होती अगर आप मुझे एक बार में सारा कंटेंट प्रोवाइड करते। और कंटेंट भी मैंने इस वजह से मांगा क्योंकि मुझे लगा था कि जो 2000 की बात हुई है ना वो बाद में थी जॉब के, और वो मैं दे देता, मेरे को इतनी बड़ी परेशानी नहीं है 2000 रुपये देने में। लेकिन जो बात एक बार हो गई और फिर उससे आप मुकर रहे हो ना, मुझे उससे बहुत परेशानी है, मैं ऐसे बंदे को दे ही नहीं सकता पैसे। अब ये क्लास टू वीडियो है, पहले क्लास वन दिखा देता हूँ आपको, पार्ट वन पीएचडी।